Yes, students. Now, in this video, we are going to discuss about the elimination method of solving the linear equations. Student, इससे पहले वीडियो में हमने देखा था substitution method. और आप मैंने पहला क्वेश्चन यही कराया था Bayesian substitution method. अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे Bayesian elimination method. सिर्फ मेथड चेंज होगा स्टूडेंट्स, आंसर हमारा सेम रहेगा क्योंकि हमारे पास इक्वेशन सेम है. देखो कैसे सोल्व करते हैं बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड. आपको दो इक्वेशन गिवन है, x प्लस वाई इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 4. एलिमिनेशन मेथड में आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास दो वेरिएबल हैं x एंड y. आपको पहले इनमें से किसी एक वेरिएबल का कोफिशेंट सेम बनाना है. यहाँ बाई चांस इसका भी कोफिशेंट सेम है 1 1, इसका भी कोफिशेंट सेम है. आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, मर्जी आपकी है. अगर मैं इन दोनों को डायरेक्टली ऐड करूँ, देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. अगर हम ऐड करते हैं प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो गया, तो 1x प्लस 1x क्या बचा 2x इक्वल टू 14 प्लस 4 दैट इज 18. तो x की वैल्यू क्या आ गई 18 बाई 2 दैट इज 9. मतलब x इक्वल टू हमारे पास बन गया 9. ये इक्वेशन फर्स्ट थी हमारे पास, ये इक्वेशन सेकेंड थी. तो जैसे ही मैंने दोनों इक्वेशन को डायरेक्टली ऐड किया, ठीक है, जैसे मैंने दोनों इक्वेशन को डायरेक्टली ऐड किया स्टूडेंट्स, ये दोनों कोएफिशिएंट सेम थे, कैंसिल हो गई आपके पास. आप माइनस करोगे तो यहाँ साइन चेंज होगा, ये कैंसिल हो जाएगा. आगे हम और भी क्वेश्चन करेंगे, सारा क्लियर हो जाएगा आपके पास. आपने सोल्व किया, यू गेट द वैल्यू ऑफ एक्स एज 9. फिर क्या करना है, आप एक्स की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, वन में और सेकेंड में. मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. हमने फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ कर लिया. क्या बोल रही है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14. एक्स की वैल्यू क्या हमारे पास 9. जैसे हमने यहाँ पे 9 पुट किया स्टूडेंट्स, वी गेट 9 प्लस वाई इक्वल टू 14 एंड वाई इक्वल टू 14 माइनस 9 एंड वाई इक्वल टू 5. तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है 9, वाई की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 5. ठीक है, अगर आपने ध्यान से देखा होगा इससे पहले वीडियो के अंदर, जब हमने इसी क्वेश्चन को सोल्व किया था बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, वी आर गेटिंग द सेम वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स एज ए 9 एंड वाई एज ए 5. क्लियर, और क्वेश्चन देखते हैं, ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट्स आप लोगों को. मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चल रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल मैंने नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन उठाया, 3x प्लस 4y इक्वल टू 15, 2x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 7. ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है. हमें इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड. देखो स्टूडेंट कैसे सोल्व करेंगे, आप देखो यहाँ पे सभी ध्यान से एक चीज देखो, यहाँ तो आपके पास कोफिशेंट सेम थे, बट यहाँ कोफिशेंट सेम नहीं है, ना इसका कोफिशेंट सेम है ना ही इसका कोफिशेंट सेम है. तो पहले हमारा काम क्या रहेगा स्टूडेंट्स, पहले हमें इनके कोफिशियंट्स को सेम बनाना पड़ेगा, इक्वल बनाना पड़ेगा. और वो कैसे बनाओगे, देखो ध्यान से कैसे बनाना है. सबसे आसान तरीका यही होता है, देखो यहाँ पे 3 है यहाँ पे 2 है, तो इस 2 को आप ऊपर वाली इक्वेशन मल्टीप्लाई कर दो, इस 3 को आप नीचे वाली सारी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो. समझ आया, यहाँ जो सेकेंड का फर्स्ट एक्स का कोफिशियंट है ना 2, इसको आप फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर दो, और फर्स्ट का जो एक्स का कोफिशियंट है 3, इसको आप सेकंड में मल्टीप्लाई कर दो. करो मल्टीप्लाई, जब हम फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 6x आ जाएगा प्लस 8y इक्वल टू 13. सारी इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है 3 से, करो 3 टू जा 6x माइनस 3 3 जा 9y इक्वल टू 7 3 जा 21 माइनस 21. तो अगर हम ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा एक्स का कोफिशियंट सेम हो गया, 6 6 हो गया दोनों. समझ आया हमने क्या किया, इस 2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, इस 3 को हमने नीचे मल्टीप्लाई कर दिया. हमेशा ऊपर वो फर्स्ट इक्वेशन का जो कोफिशियंट होगा एक्स का, उसे सेकंड में मल्टीप्लाई करना है, सेकंड वाले को हमें फर्स्ट में करना है, ज़्यादा आसान हो जाएगा. दोनों प्लस हैं तो हम साइन चेंज कर लेते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं ना, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा. ठीक है, एडवांटेज ये होगा सबट्रैक्शन से, ये दोनों कैंसिल हो गए. हमें यहाँ सब्ट्रैक्शन की जरूरत नहीं पड़ी थी स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी साइन प्लस माइनस में है, सिंपल ऐड करेंगे कैंसिल हो जाएंगे. यहाँ दोनों साइन सेम थे तो हमें सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, साइन चेंज कर लिया. प्लस 8 प्लस 9 प्लस 17 वाई इक्वल टू दिस इज 30 प्लस 21 15. तो वाई क्या आ गया 51 अपॉन 17, वाई इज 3, वाई की वैल्यू 3 आ गई हमारे पास. फिर क्या करना है स्टूडेंट्स, आपके पास फर्स्ट इक्वेशन थी सेकेंड इक्वेशन थी, आप किसी मर्जी इक्वेशन में वाई की वैल्यू पुट कर लो. फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या आ रहा है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 15, 3x प्लस 4 इंटू में y की वैल्यू 3 इक्वल टू 15, 3x प्लस 12 इक्वल टू 15, 3x इक्वल टू 15 माइनस 12, 3x इक्वल टू 3
एंड x इज कमिंग आउट टू बी 1। समझ आ गया स्टूडेंट्स? तुम्हारे पास x की वैल्यू क्या आ रही है, y की वैल्यू 3 आ रही है, और x की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। ये आपका था एलिमिनेशन मेथड का। स्टूडेंट्स, एलिमिनेशन मेथड सबसे इजी माना जाता है एज कंपेयर टू ऑल द मेथड्स, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लाइंग और एलिमिनेशन में। एलिमिनेशन सबसे आसान है, और ज़्यादा अगर टाइम एग्जाम में सिर्फ सॉल्यूशन करने को बोलता है, आपसे मेथड स्पेसिफाई नहीं करता, तो उस केस में आप एलिमिनेशन को प्रेफरेंस दे सकते हो। क्लियर है? और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे हमारे पास और भी क्वेश्चन हैं, मैंने जैसे एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन लिखा आपके लिए, सुनो ध्यान से क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपको दिया गया, कह रहा है सोल्व 7 टाइम y प्लस 3 इक्वल टू 14 टाइम 14 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2। एक तो ये इक्वेशन आपको, और सेकंड इक्वेशन जो हमें गिवन है दैट इज 4 टाइम y माइनस 2 प्लस 3 टाइम x माइनस 3 इक्वल टू 2। ये क्वेश्चन बोला गया आपको, ये क्वेश्चन सोल्व करना है बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। कह रहा है सोल्व बाय सॉरी एलिमिनेशन मेथड, सोल्व बाय एलिमिनेशन मेथड आल्सो फाइंड m इफ 5x माइनस my इक्वल टू 3। अगर ये कंडीशन दे रखी है तो आपको m भी निकालना है। ये बाद में देखिए, पहले हम यहाँ तक करते हैं, सोल्व करते हैं पहले इसको। अगर हम ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, 7 इंटू वाई प्लस 3 इक्वल टू 14 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2। ये इक्वेशन है, मल्टीप्लाई करते हैं 7y प्लस 21 14 प्लस 2x प्लस 4। क्लियर है? हम इसको एक साइड कर लेते हैं। अगर हम एक्स वाई एक साइड करेंगे, देखो इसको इधर ले आओ, 7y माइनस 2x इक्वल टू 18 माइनस 21 माइनस 2x प्लस 7y इक्वल टू माइनस 3। माइनस को इधर ले आओ, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई हमारी। सेम वे से वी कैन सोल्व सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या कह रही है, 4 इंटू वाई माइनस 2 प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 2। मल्टीप्लाई करते हैं 4y माइनस 8 3x माइनस 9 इक्वल टू 2। इट बिकम 3x प्लस 4y माइनस 17 इक्वल टू 2 4y इक्वल टू 19। ये इक्वेशन आ गई हमारी सेकंड। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी बनी 2x माइनस 7y इक्वल टू 3, सेकेंड इक्वेशन बन रही है हमारी 3x प्लस 4y इक्वल टू 19। हमें इन दोनों को सोल्व करना है बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। देखो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये, और सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 3x प्लस 4y इक्वल टू 19। क्या बताया था मैंने, कोएफिशिएंट सेम नहीं है, तो 2 को आप नीचे मल्टीप्लाई कर दो, इस 3 को आप ऊपर वाली इक्वेशन मल्टीप्लाई कर दो। करो 3 से सारी इक्वेशन मल्टीप्लाई, इट बिकम 6x माइनस 7 3 21 इक्वल टू 3 9। इसको 2 से करेंगे, 6x प्लस 8y इक्वल टू 38। चेंज द साइन, ये कैंसिल हो गया हमारे पास, माइनस 29y इक्वल टू माइनस 29। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, 29 अपॉन 29, तो y इज कमिंग आउट टू बी 1। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1 आ गई। फिर क्या करते हैं, किसी भी क्वेश्चन पुट कर लो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन क्या कह रही है, 2x माइनस 7y इक्वल टू 3, 2x माइनस 7 इंटू 1 इक्वल टू 3, 2x माइनस 7 इक्वल टू 3, तो माइनस 7 वहाँ जाके प्लस 7 हो जाएगा, 2x इक्वल टू 10 एंड x इक्वल टू 10 बाई 2 दैट इज 5। क्लियर हुआ? तो हमारे पास x और y की वैल्यू निकल गई, ये हमने सोल्व कर लिया। बट हमें क्वेश्चन साथ में एक पार्ट और बोला, उसने बोला आपसे, कह रहा फाइंड m इफ 5x माइनस एम वाई इक्वल टू 3। आपको कंडीशन गिवन है 5x माइनस एम वाई इक्वल टू 3, और हमारी जो x की वैल्यू आई थी दैट इज 5 एंड y इज कमिंग आउट टू बी 1। अगर हम इन वैल्यू को यहाँ पुट करें, देखो स्टूडेंट्स क्या होगा, 5 इंटू 5 माइनस एम इंटू वाई 1 इक्वल टू 3, 25 माइनस एम इक्वल टू 3 माइनस एम इक्वल टू 3 प्लस 25, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस 25। तो माइनस एम इक्वल टू माइनस 22 एंड एम इज कमिंग आउट टू बी 22। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एम आल्सो। क्वेश्चन क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? ओके,
चलो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सोल्व ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू टू ए बी और बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू बी स्केयर माइनस ए स्केयर। ये दो ही क्वेश्चन आपको गिवन है एंड यू हैव टू सोल्व देम बाई यूजिंग एलिमिनेशन मैथड। जो कैसे सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स, अगर हम देखें ध्यान से कि क्या एक्स का कोफिशियंट सेम है, नहीं है। क्या वाई का कोफिशियंट सेम है, कोई भी सेम नहीं है। तो सेम बनाओ, क्या बताया था मैंने आपको, यहाँ बी है, इसको कहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में इसको मल्टीप्लाई कर दो बी से। यहाँ क्या आपके पास ए है, इसको मल्टीप्लाई कर दो सेकेंड में करो। अगर आप फर्स्ट इक्वेशन को बी से मल्टीप्लाई करोगे, इट बिकम ए बी एक्स प्लस बी स्केयर वाई इक्वल टू टू टाइम ए बी स्केयर। नीचे जब ए बी ए से मल्टीप्लाई करोगे, इट बिकम ए बी एक्स माइनस ए स्केयर वाई इक्वल टू ए बी स्केयर माइनस ए क्यू। ए से मल्टीप्लाई कर दिया, सोल्व कर लेते हैं भाई, दोनों साइन सेम है, सब्ट्रैक्ट कर दो, नेगेटिव पॉजिटिव, प्लस बिकम माइनस, माइनस बिकम प्लस, ये कैंसिल हो गया, प्लस बी स्केयर प्लस ए स्केयर। तो क्या आएगा, बी स्केयर प्लस ए स्केयर इंटू वाई इक्वल टू, ये हो गया टू टाइम ए बी स्केयर, प्लस का है इसमें से ये माइनस करना है हमें, माइनस ए बी स्केयर, और ये प्लस करना है प्लस ए क्यू। समझ आए स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको इन दोनों को देखो, ये प्लस का था, इनको अब एडिशन करना है, ये प्लस का है, ये माइनस है, ये प्लस है, तुमने इसी फॉर्म में लिख लिया। इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, ये आपके पास है बी स्केयर प्लस ए स्केयर वाई, बी स्केयर प्लस ए स्केयर इंटू में वाई इक्वल टू, इसको अगर हम ध्यान से देखें ये क्या है, टू ए बी स्केयर माइनस ए बी स्केयर, टू ए बी स्केयर माइनस वन ए बी स्केयर, क्या बचेगा ए बी स्केयर प्लस ए क्यू, वी आर लेफ्ट विद ए बी स्केयर प्लस ए क्यू, इट इज बी स्केयर प्लस ए स्केयर इंटू वाई इक्वल टू, यहाँ से हम ए कॉमन ले सकते हैं, वी आर लेफ्ट विद बी स्केयर प्लस ए स्केयर। तो वाई कितना आएगा हमारे पास, ए टाइम बी स्केयर प्लस ए स्केयर डिवाइड बाई बी स्केयर प्लस ए स्केयर, ये कैंसिल हो गया, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई, ए वाई निकल गया। फिर क्या करते हैं, हम किसी भी इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं, मान लो हम यूज़ कर रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन का, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन वन, क्या है इक्वेशन वन, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू टू ए बी, y की वैल्यू क्या हमारे पास, a पुट करो, ए एक्स प्लस बी इंटू ए इक्वल टू टू ए बी, ए एक्स इक्वल टू टू ए बी, यहाँ पर ए बी है, ये उधर जाओ माइनस हो जाएगा, तो ए एक्स इक्वल टू क्या बच गया, टू ए बी माइनस ए बी, ए बी तो x क्या आ गया, ए बी बाई ए, ए से ए कैंसिल, x इज इक्वल टू बी, तो x की वैल्यू b आ रही है, y की वैल्यू a आ रही है आपके पास। क्लियर हो गया क्वेश्चन स्टूडेंट सभी को, ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, होप आपको समझ आया होगा ये मेथड भी। आपको नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन कराऊंगा मैं एलिमिनेशन मेथड से रिगार्डिंग, जो थोड़े डिफरेंट टाइप के हैं। यहाँ आपके पास एक्स वाई न्यूमिनेटर में था, उन क्वेश्चनों में एक्स वाई हम डिनोमिनेटर में लेंगे, तो वो क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा रहा हूँ मैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।